नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, वोट मांगने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेताओं की बहुत भारी बेइज्जती हुई है। जी हां, आपको बता दें, इसी महीने के 28 तारीख से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इसी चुनाव को लेकर राजनीतिक दल के नेता गांव-गांव और घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। ये नेता लोगों से हाथ जोड़कर पैर पड़कर अपने जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता, जिसमें एक मंत्री भी शामिल हैं, जिनका वोट मांगने के दौरान जमकर विरोध हुआ है। यहाँ तक कि नहीं, इस विरोध के कारण उन्हें उल्टे पांव भागना भी पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे पूरे खबर विस्तार से। लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लौट कर सत्ता में आएगी, या फिर क्या कांग्रेस आरजेडी गठबंधन वाली महागठबंधन चुनाव जीतकर बिहार की सत्ता में वापसी कर सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव और घर घर जाकर जनता से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन उनके पिछले कामकाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं और जेडीयू के नेताओं का काफी विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि नहीं, विरोध के कारण उन्हें उल्टे पांव लौटना भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता एवं वर्तमान सरकार में मंत्री का जमकर विरोध हुआ है। बिहार के मंत्री जी जब गांव में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे तो वहां पर लोगों ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मंत्री जी का इतना विरोध किया गया कि मंत्री जी की हिम्मत भी नहीं हुई कि गाड़ी से उतरकर नीचे लोगों से बातचीत कर लें, जिसके बाद मंत्री जी को ग्रामीणों के विरोध के बाद उल्टे पांव लौटना पड़ा है। अब इसका वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे मंत्री जी को उल्टे पांव लौटना पड़ा है। कुछ नहीं होगा, बताइए। जब तक राजनीति मांग है तो रख, मांग तो रखे भैया, हम लोग कहाँ से ले। बोल तो रहे कि मेन गेट खुलवा दीजिए, हम लोग का साल पहले मांग रखे हैं। मेन गेट खुलवा दीजिए, मेन गेट खुलवा दीजिए हम लोग का। अरे मेन गेट खुलवा दीजिए, मेन गेट खुलवाइए, मेन गेट खुलवा दीजिए। पहले घोसी में हम भी मांग रखे थे, कुछ नहीं हुआ है। अरे हम लिखित में दे रहे हैं, हम यहाँ जी आपको बता दें, इन नेताजी का नाम कृष्ण नंदन वर्मा है। ये वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा का चुनाव क्षेत्र इस बार बदल दिया गया है, जिसके बाद उन्हें अपने जिले और निर्वाचन क्षेत्र में लोगों के विरोध का भारी सामना करना पड़ा है। आप बता दें, कृष्ण नंदन जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हैं। लेकिन इस बार मंत्री जी जहानाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। इसी कड़ी में वे अपने क्षेत्र में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे, जहाँ पर उनका जमकर विरोध किया गया है। नीतीश सरकार के मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के खिलाफ जहानाबाद के एरोड्रम मैदान में जमकर नारेबाजी भी हुई है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वर्मा जी जहानाबाद से एरोड्रम मैदान की तरफ से गुजर रहे थे। वहां लोगों को देख मंत्री जी ने जनता से मिलने का मूड बना लिया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उल्टे उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान वहां जाकर भी अपनी गाड़ी से मंत्री जी उतर नहीं पाए और गाड़ी में बैठे बैठे ही लोगों के ताने सुनते रहे। वहां इकट्ठा लोगों ने मंत्री जी से सवाल पूछते हुए कहा कि घोसी से विधायक थे आप, लेकिन आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो आपको जहानाबाद भेज दिया गया? जिसके बाद वहां पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए शिक्षा मंत्री का जमकर वहां पर एकत्रित लोगों ने विरोध किया है। इस विरोध को देखते हुए शिक्षा मंत्री को उल्टे पांव लौटना पड़ा। हालांकि वे गाड़ी से उतर भी नहीं पाए थे, जिसके पहले ही उनका जमकर वहां पर विरोध हुआ, जिसके बाद उन्हें बिना गाड़ी से उतरे ही उल्टे पांव लौटना।
पड़ा। वहीं एक दूसरा मामला भी सामने आया है जो कि बिहार से ही है। बिहार के सुपौल जिले में एक गांव में जनसंपर्क के लिए पहुंचे भाजपा विधायक का जमकर विरोध हुआ है। भाजपा विधायक को लोगों के आक्रोश का जमकर सामना करना पड़ा है। यहां तक कि नहीं, ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारेबाजी भी की है। घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी होती रही। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अरे भैया कितना दिन बचा इलेक्शन का? एक महीना बचा। एक महीना में अगर कल परसों से काम नहीं शुरू करेगा, आपको नहीं लगेगा कि काम बढ़िया से कर रहा। हम ही कह रहे वोट मत दीजिएगा, और इससे वैसे कुछ कहेंगे ठीक है। वोट नहीं आ जाइए, ठीक है, और कोई विधान बन के आएगा तो बनेगा करेगा रोड। मेरा नंबर कितना जाइए, हाँ मेरे पास है सर, मेरे पास नंबर। और कोई आएगा तो फिर बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी विधायक का नाम नीरज कुमार सिंह बबलू है। जब वे चुनावी प्रचार के दौरान बिहार के सुपौल के एक गांव में पहुंचे तब उनका जमकर विरोध हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां के गांव वालों को जैसे ही इस बात की सूचना मिली थी कि भाजपा विधायक बबलू उनके गांव में प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं, जिसके बाद वहां के ग्रामीण वासियों ने विधायक का घेराव करने के लिए सड़क पर जानवरों को चारा खिलाने वाला जो बर्तन होता है उसको रख कर ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोका। इसके बाद नीरज कुमार सिंह बबलू के पहुंचने के बाद वहां इकट्ठा ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी विधायक का घेराव करते हुए उनका जमकर विरोध किया, साथ ही नारे भी लगाए। यहां तक कि नहीं, घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच काफी तीखी नोकझोंक भी होती रही। लेकिन ग्रामीणों का विरोध देखते हुए अंत में भारतीय जनता पार्टी विधायक को उल्टे पांव लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके गांव से जाने वाली सड़क कई साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है, इसके कारण लोगों को उस रोड पर चलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं रहते हैं। इनके कारण लोगों को इलाज कराने के लिए 16 किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। अब आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव नजदीक आता है तो विधायक जगह जगह सड़क का शिलान्यास करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो प्रतिनिधि हम लोगों यानी गांव वालों के दुख दर्द को समझेगा वही हमारा नेता होगा। इसी का विरोध करते हुए गांव वासियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक को उल्टे पांव लौटा दिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर वहां पर प्रचार प्रसार के लिए अपने स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी अपने पुराने गढ़ में एक बार फिर से पांव जमाने की कोशिश में जुट गई है। आपको बता दें, कोरोना काल में चुनाव प्रचार के स्वरूप और हाईटेक अंदाज में कैंपेनिंग पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी बिहार जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 3 चरण के चुनाव के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली भी शामिल है। जी हां, बिहार में कांग्रेस एक बार फिर से पैर जमा सकती है, लेकिन इसके लिए राहुल और प्रियंका की जरूरत होगी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बताया है कि राहुल गांधी के बिना यहां का चुनाव अधूरा है। कोरोना काल में हम लोग ऐसे तरीके पर जोर दे रहे हैं जिससे भीड़ न जुटे और स्टार प्रचारकों की बात आम आदमी तक भी पहुंच सके। कांग्रेस नेता का कहना है कि इस चुनाव में हम लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने बिहार में आकर प्रचार प्रसार करने का हमने प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि कोरोना को लेकर सुरक्षा इंतजाम के साथ उनकी रैलियां आयोजित होंगी। ऐसे स्थान का भी चयन किया जा रहा है जहां पर हाईटेक व्यवस्था की जा सके। साथ ही उनका कहना है कि वर्चुअल
रैलियों के लिए भी पार्टी में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वोटरों को साधने की पूरी कोशिश जारी है। पार्टी प्रवक्ता का कहना है कि नेताओं की सूची तैयार कर ली गई है, बस प्लान यह चल रहा है कोरोना से बचकर कैसे काम किया जाना चाहिए। ये आपको बता दें, इसी महीने के 28 तारीख से बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है, जो कि 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 28 को, दूसरा चरण 3 नवंबर को और अंतिम चरण 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को तीनों चरणों में हुए मतदान की गिनती की जाएगी, जिसके बाद माना जा रहा है कि 10 तारीख को शाम तक या फिर 11 तारीख तक 243 विधानसभा सीटों के नतीजे आ जाएंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सेना के जवानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा तंज कसा है। बोला, पीएम मोदी के लिए 8400 करोड़ का जहाज और जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक। जी आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए पूछा है कि कहां का नियम है और न्याय है कि पीएम के लिए 8400 करोड़ रुपए खर्च कर आलीशान हवाई जहाज मंगाया जाए और जवानों को बिना बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेज दिया जाए। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8400 करोड़ के हवाई जहाज, क्या यह न्याय है। जहां पर राहुल गांधी ने सेना के जवानों का जो वीडियो पोस्ट किया है, इस वीडियो में एक ट्रक में सेना के कई जवान बैठे हुए हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। उनमें से एक जवान कहता है कि नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजकर हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और अन्य जवान का कहना है कि अधिकारी लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों में अपने आप चले जाते हैं, लेकिन हमें बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाने के लिए कहा जाता है। उनका कहना है कि हमारे जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या हमारे बच्चे परिवार नहीं है? क्या सीनियर अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमें भी सुरक्षित गाड़ियों का इंतजाम कर हमें भेजना चाहिए? ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है? ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जबरदस्ती बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर आबद कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है? कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। इसी वीडियो को राहुल गांधी ने पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए 8400 करोड़ का जहाज और जवानों के लिए नॉन बुलेट प्रूफ ट्रक, क्या यह न्याय है? जी आपको बता दें, इस टाइम राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी नए कृषि कानून को लेकर भी पंजाब में 3 दिनों की यात्रा की, जिसमें उन्होंने तीनों दिन प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमले किए और नए कृषि कानून के विरोध में उन्होंने पंजाब से लेकर हरियाणा तक ट्रैक्टर से रैलियां भी की।